वेलकम फ्रेंड्स, आज की ये वीडियो गूगल शीट को लेकर के बना रहा हूँ। यहाँ पर देख सकते हैं, ये अगर मैं इस पर टिक करता हूँ तो ये फील्ड बन जाता है पास्ट। अगर इसको अनटिक रहने देता हूँ, ठीक है, अब यहाँ पर अनटिक है, अगर मैं इसको भी टिक कर देता हूँ यहाँ पे, तो ये भी पास्ट बन जाएगा। इसको मैं यहाँ से ड्रैग करवा देता हूँ, आपको पूरी स्थिति पता चल जाएगी। ये देखिए, ये आ गए। तो यहाँ पे देखेंगे पास्ड और फेल का रिजल्ट यहाँ पे ऑटोमेटिकली डिस्प्ले हो रहा है। लेकिन ये हुआ कैसे? यहाँ पर अगर मैं हटा देता हूँ तो ये वापस से हो जाता है फेल्ड। जहां पर भी टिक करूंगा वो पास हो जाएंगे, और जहां पर अनटिक रहेगा वो रहेंगे हमेशा फेल। तो ये हुआ कैसे, ये कैसे किया मैंने, तो चलिए आपको बताता हूँ, समझाता हूँ, ठीक है। तो ये सेम डेटा यहाँ से मैं उठा लेता हूँ, लाइक इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ से इसको सेलेक्ट करता हूँ और इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी करने के बाद इसको दूसरी शीट पे लेके आता हूँ और यहाँ पर कर देता हूँ पेस्ट। तो ये कर दिया मैंने पेस्ट। जैसे ही पेस्ट करेंगे तो यहाँ पर ये आ जाएगा, और यहाँ पर हमें क्या करना है, चेक बॉक्सेस बनाने हैं। तो चेक बॉक्सेस तो मैंने पहले भी बनाना सिखाया है, तो ये पूरा कर लीजिए सेलेक्ट यहाँ तक। और यहाँ तक सेलेक्ट करने के बाद चले जाइए इंसर्ट टैब पर। इंसर्ट टैब पर आ गए। इंसर्ट टैब पर आने के बाद आपको चेक बॉक्स पे कर देना है क्लिक। ये चेक बॉक्स आपको दिखाई पड़ रहा है, बस यहीं पर आपको क्लिक रखना है। तो ये कर दिया क्लिक, आ गया चेक बॉक्स, ठीक है। यहां पर क्या करेंगे, इनका स्टेटस चेक करेंगे। स्टेटस कैसे चेक करेंगे, यहीं पर सारा समझने वाला है, तो ध्यान से समझिएगा। देखिए यहां पर इक्वल्स टू इफ का फॉर्मूला यूज कर लेते हैं। तो ये यूज किया हमने इफ, और इफ के बाद इसको सेलेक्ट कर लीजिए। अगर ये बराबर हो ट्रू, मतलब अगर ये ट्रू है, इफ के फॉर्मूले में जो वैल्यू हमने ली है अगर वो ट्रू है, तो ऐसे कंडीशन में वो बच्चा हो जाए पास्ट। अदरवाइज अगर ट्रू नहीं है, अगर फॉल्स आ रहा है रिजल्ट, तो वो हो जाए फेल्ड। तो यहाँ पे एफ ए आई एल ई डी ये लगा दिया हमने, बस काम हो गया है। ब्रैकेट को क्लोज कीजिए और प्रेस कीजिए एंटर। तो जैसे ही एंटर प्रेस किया तो आपको यहाँ दिखाई पड़ रहा है एफ ए आई एल ई डी यानी फेल्ड दिखाई पड़ रहा है। और यहाँ पर इसको ड्रैग करवा देता हूँ मैं, पूरी बात आपको पता चलेगी। अब देखिए, अगर जैसे ही मैं यहाँ पर टिक करता हूँ तो ये पास्ड अपने आप आएगा। ये देख सकते हैं, यहाँ पे देखिए, जैसे ही मैं टिक करता हूं तो ये पास्ड अपने आप आ रहा है, फेल्ड अपने आप आ रहा है, आपको कहने की जरूरत नहीं। तो आई होप कि बात आपके समझ में आई होगी कि ये कैसे बनाया गया था, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो आप इसको शेयर कर सकते हैं, साथ ही साथ हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, और इसी तरह की वीडियोज देखने के लिए बेल आइकन भी जरूर प्रेस करें, ताकि जब भी मैं वीडियोज डालूं तो आपको नोटिफिकेशन पहले मिले। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।